नमस्कार, आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें। रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ और लूट मामले में भाजपा नेता का बेटा गिरफ्तार। आवास विकास चौकी क्षेत्र में एक रेस्टोरेंट में गाली गलौज, मारपीट, तोड़फोड़ और लूट के मामले में नामजद आरोपियों में से पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किया गया आरोपी भाजपा नेता राधेश शर्मा का बेटा पवन शर्मा है, जिसके घर से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस आरोपी को जेल भेजने की तैयारी कर रही है, जबकि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। देहरादून आईटी पार्क तिराहे पर बाइक और स्कूटी की भिड़ंत, एक की मौत। राजपुर थाना क्षेत्र में बीती रात आईटी पार्क तिराहे पर एक स्कूटी और बाइक सवार की आपस में टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने मामले में क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद स्कूटी सवार फरार है। लंबे समय से फरार तस्कर चढ़ा वन विभाग के हत्थे, तीन आरोपी भागने में हुए कामयाब। वन प्रभाग तराई पश्चिमी की तट टीम ने देर रात मुखबिर की सूचना पर अवैध पातन के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे वांटेड आरोपी भजन सिंह को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी भजन सिंह अपने तीन अन्य साथियों के साथ चार बाइकों पर अवैध कटान करने जंगल में घुसा था, लेकिन आरोपी अपने मंसूबों में कामयाब होते उससे पहले ही वन विभाग की टीम ने घेराबंदी करके भजन सिंह को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान तीन अन्य आरोपी मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए। हल्द्वानी, दहेज की मांग पूरी न होने पर पति ने कराया गर्भपात, तीन तलाक देकर घर से निकाला। नैनीताल जनपद के हल्द्वानी में दहेज का एक और मामला सामने आया है। बनभूलपुरा निवासी एक महिला ने अपने पति समेत पांच लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। महिला ने बनभूलपुरा थाने में पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसने पति और ससुराल वालों ने दहेज नहीं लाने पर उसका गर्भपात कराया है। पराक्रम, नैनीताल पहुंची स्वर्णिम विजय मशाल यात्रा, सरोवर नगरी में हुआ जोरदार स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विजय दिवस के उपलक्ष्य पर शुरू की गई स्वर्णिम विजय मशाल आज सरोवर नगरी नैनीताल पहुंची। नैनीताल पहुंचने पर स्थानीय लोगों व एनसीसी कैडेट ने स्वर्णिम मशाल का जोरदार स्वागत किया। स्वर्णिम मशाल को नैनीताल के ऐतिहासिक राजभवन में लाया गया, जहां तकरीबन आधा घंटा ठहरने के बाद मशाल को नैनीताल बाजार और माल रोड की ओर ले जाया गया, जहां स्थानीय लोगों और पर्यटकों के साथ एनसीसी कैडेट ने मशाल का अभिवादन किया। कैबिनेट मंत्री ने घुमाया मुख्य सचिव का फोन, डीएम और एसएसपी की शिकायत की। एक बार फिर से मंत्री और शासन के अधिकारियों के बीच मामला सुर्खियों में आया है। जी हां, इस बार मामला कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और बागेश्वर के जिलाधिकारी एसएसपी से जुड़ा है, जो कि चर्चाओं में बना हुआ है। दरअसल बागेश्वर जिलाधिकारी और एसएसपी कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के कार्यक्रम से नदारद रहे, जिससे सतपाल महाराज नाराज हुए। वहीं अधिकारियों के नदारद के चलते मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने दोनों अधिकारियों का जवाब तलब किया है। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज इन दिनों कुमायूं के दौरे पर हैं। इसी के तहत आज कैबिनेट मंत्री सतपाल का बागेश्वर में कार्यक्रम था, लेकिन जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने इस कार्यक्रम को हल्के में लिया और सूचना देने के बावजूद कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, जो चर्चाओं का विषय बना हुआ है। बस फिर क्या था, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज इससे खफा हो गए। सतपाल महाराज ने तुरंत मुख्य सचिव ओम प्रकाश को फोन घुमाया और दोनों अधिकारियों के अनुपस्थित होने की सूचना दी। स्वास्थ्य विभाग ने नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाला पत्रकार गिरफ्तार, ऐसे फंसाया जाल में। स्वास्थ्य विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर करीब 85 लाख रुपए की ठगी करने वाले आरोपी रायपुर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि शातिर ठग ने भरोसे में लेने के लिए पीड़ित को फर्जी नियुक्ति पत्र भी दिया था। आरोपी को पकड़ने में रायपुर पुलिस ने कामयाबी हासिल की है। आपको बता दें कि आरोपी 6 महीने से फरार चल रहा था। दरअसल 17 अगस्त 2020 को थाना रायपुर पर पीड़िता डॉक्टर प्रतिमा सिंह पत्नी अजय शंकर निवासी गंगोत्री विभार देहरादून ने रायपुर थाने में आकर तहरीर दी कि अभय कुमार पुत्र केशव सिंह निवासी गरिमा मीडिया हाउस बसंत विहार देहरादून ने वादिनी को एनपीपीए में असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जी विज्ञप्ति दिखाकर और फर्जी नियुक्ति पत्र देकर उससे 7,45,000 रुपए ठगे। तहरीर मिलने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और जांच शुरू की। जांच में पाया गया कि अभय कुमार जनादेश अखबार का पत्रकार है, इसकी आड़ में वह लोगों से फर्जीवाड़ा करता है। उत्तरकाशी के नौगांव पहुंची कोरोना वैक्सीन की इतनी डोज, कल से देना शुरू किया जाएगा। बीते दिन गुरुवार को कोरोना वैक्सीन की पहली खेप उत्तराखंड पहुंची, जिसे देहरादून भंडार गृह में रखा गया, जो कि अब प्रदेश भर के जिलों में पहुंचाई जा रही है। वहीं इसी के मद्देनजर आज शुक्रवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौगांव में कोरोना की वैक्सीन के 72 वॉयल पहुंचाए गए। बता दें कि कल 16 जनवरी से वैक्सीन देना शुरू किया जाएगा। उत्तराखंड में होगा विराट अनुष्का की बेटी का नामकरण, जानिए क्यों रही ये खबर वायरल।
भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली के घर नन्ही मेहमान आई है। जी हां, उनकी पत्नी बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने सोमवार को बेटी को जन्म दिया है। वहीं इसकी खबर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैली। विराट अनुष्का के घर नन्ही परी आने से खुशी का माहौल है। इस बीच अनुष्का और उनकी बेटी की फोटो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई। इसी के साथ एक और खबर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैली कि अनुष्का विराट की बेटी का नामकरण उत्तराखंड में होगा। इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हम आपको बताते हैं कि खबर क्यों वायरल हुई। पुलिस ने की स्मैक की खेप जब्त, दो तस्कर गिरफ्तार, इनको करते थे सप्लाई। भगवानपुर थाना पुलिस ने बीती रात चेकिंग के दौरान दो स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से करीब 3 लाख की स्मैक बरामद हुई है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनका चालान कर दिया है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह सस्ते दामों पर स्मैक लाकर महंगे दामों पर बेचने का काम कर रहे थे। देहरादून में इंटरनेशनल कॉल सेंटर का भंडाफोड़, करोड़ों की ट्रांजैक्शन आई सामने, घड़ी का ये है खेल। एसटीएफ की जिम्मेदारी आईपीएस अजय सिंह के पास है। जिम्मेदारी मिलने के बाद से एसटीएफ के नए कप्तान एक्शन में हैं। उन्होंने अब तक राज्य और राज्य के बाहर से कई बड़े बदमाशों को पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचाने में सफलता हासिल की। एसटीएफ और साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन उत्तराखंड की संयुक्त कार्रवाई ने एक और बड़ा खुलासा किया है। किशाऊ बांध परियोजना का फिर से होगा सर्वेक्षण, तैयार होगी संशोधित डीपीआर। किशाऊ बांध परियोजना का सर्वेक्षण एक बार फिर से किया जाएगा। सर्वेक्षण के बाद एक बार फिर से संशोधित डीपीआर तैयार की जाएगी। प्रस्ताव में करीब 4,000,000 रुपए की बढ़ने की संभावना है। कम नहीं हुई पलायन की रफ्तार, 10 साल में 5 लाख से ज्यादा लोगों ने छोड़ा घर बार। उत्तराखंड में पलायन सबसे बड़ी समस्या रही है। हालांकि लॉकडाउन के दौरान उत्तराखंड में लाखों प्रवासियों की वापसी हुई है, लेकिन आरटीआई से मिली जानकारी में एक बड़ा खुलासा सामने आया है। पिछले 10 सालों में उत्तराखंड से 5,02,707 लोगों ने पलायन किया है। रुड़की, हादसे को न्योता दे रहा गंगा नहर पर बना पुल, कुंभ तैयारियों की खुली पोल। हरिद्वार कुंभ के बीच रुड़की स्थित गंग नहर पर बना पुल पिछले कई माह से क्षतिग्रस्त है, जो हादसे का न्योता दे रहा है। हर दिन इस पुल पर हजारों गाड़ियां गुजरती है। ऐसे में कुंभ मेले को लेकर प्रशासन की तैयारियों पर सवाल या निशान उठा रहे हैं। जन्मदिन पर मायावती का बड़ा ऐलान, उत्तराखंड में अकेले चुनाव लड़ेंगी बीएसपी। बीएसपी प्रमुख मायावती ने ऐलान किया है कि अगले साल विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी। मायावती का कहना है कि हमें गठबंधन से नुकसान होता है, ऐसे में बीएसपी यूपी उत्तराखंड में अकेले चुनाव लड़ेगी। उन्होंने यह भी कहा कि यूपी में आगामी चुनाव में बीएसपी की जीत तय है। रुद्रप्रयाग पहुंचा घर से लापता यूपी का युवक, पुलिस ने पिता को सौंपा। उत्तर प्रदेश का रहने वाला एक युवक कुछ दिनों से घर से लापता हो गया था। ये युवक रुद्रप्रयाग पहुंचकर केदारनाथ धाम की ओर जा रहा था। पुलिस ने लापता चल रहे एक युवक को उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। सोमेश्वर पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत, संगठन को दी नई ऊर्जा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कार्यकर्ताओं ने सोमेश्वर में स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने मिशन 2022 की तैयारियों का जायजा लेने के साथ ही बूथ स्तर पर कांग्रेस को मजबूत करने का आह्वान किया। यूं ही नहीं कहते उत्तराखंड को सैन्य धाम, जान न्योछावर करने की है परंपरा। प्रथम विश्व युद्ध से लेकर अब तक देश की सीमाओं के सजग प्रहरियों का दायित्व, अपने प्राणों की आहुति देकर भी प्रदेश के जाबाजों ने अपने सैन्य धर्म को निभाया है। उत्तराखंड के सैन्य इतिहास का ही सबब है कि यहाँ सेना एक करियर नहीं बल्कि परंपरा है। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में हुए रिकॉर्ड तोड़ एडमिशन। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में इस वर्ष रिकॉर्ड तोड़ एडमिशन हुए हैं। इस बार कोविड 19 के मद्देनजर अधिक छात्रों ने एडमिशन लिया है, क्योंकि कोविड 19 के चलते अधिकतर कॉलेज बंद थे। इसके अलावा लोग बाहरी राज्य के कॉलेज में एडमिशन नहीं करा पाए।